नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स और आपके साथ मैं हूं अपूर। मेरे साथ मौजूद है रोहित जुगलान और कमाल लाजवाब राहुल के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभी भी सोचिए टीम उनकी आईपीएल से आउट हो चुकी है लेकिन अभी भी वो ऑरेंज कैप होल्डर है, यानी सबसे ज्यादा रन अभी आईपीएल 2020 में उन्हीं के नाम है। तो जब इतनी शानदार बल्लेबाजी करेंगे तो भाई तारीफ तो मिलेगी। खुद बीसीसीआई के अध्यक्ष अब सौरभ गांगुली ने भी उनकी तारीफ में कसीदे पड़े हैं और रोहित उनके लिए कहा है कि भाई उनके अंदर वो हर फॉर्मेट का खिलाड़ी देखते हैं जिसमें उन्होंने टेस्ट का भी जिक्र किया है और वो कहते हैं कि अगर मैं कप्तान होता तो भाई मेरे लिए तो टीम में होते और एक तरीके से कह भी दिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं सेलेक्टर नहीं हूँ, अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं उनके अंदर वो काबिलियत देखता हूँ, बेहतरीन वो टेस्ट खिलाड़ी भी हो सकते हैं। क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, बात तो सही है क्योंकि केएल राहुल ने जिस तरह से ओपन किया था टेस्ट में, जिस तरह से उन्होंने उनका खाता खोला था टेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में जाके सेंचुरी लगाई थी दूसरे टेस्ट मैच में, और उसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि लेकिन फिर एक वो दौर भी याद आता है ना जब इंग्लैंड की सीरीज में वो पूरी तरह से फेल रहे थे, वो फेज जब अंदर आती भी गेंदों में उनका पाँव न चलना और उसके बाद कभी LBW हो जाते थे, कभी क्लीन बोल्ड और कभी कॉट बिहाइंड, तो वो फेस भी एक याद आता है जब लगता था कि यार केएल राहुल शायद किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेल पाएंगे। और फिर अब एक ये दौर भी है जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त कोई आसपास भी नहीं, ऑरेंज कैप होल्डर तो वहीं जबकि उनकी टीम को हारे हुए हो चुका है हफ्ता भर बाहर हुए हुए, लेकिन इस सारी चीज़ों के बीच भी एक बात जो सामने निकल कर आ रही है वो ये कि अभी भी अगर आप देखें तो केएल राहुल हर टीम का हिस्सा तो मुझे लगता है बनेंगे ही, लेकिन टेस्ट मैचेस में मुझे लगता है कि दादा ने बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन उनको वो चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया में जाके रन्स करते हैं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये सेना देशों में परफॉर्म करना पड़ेगा, इंडिया को भी, राहुल को भी, सेना देश यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में तो किया था टीम इंडिया ने परफॉर्म, वहां तो जीती थी सीरीज, लेकिन केएल राहुल थे नहीं थे लेकिन उन्होंने टीम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी कहा था कि टीम इंडिया को भी अगर बाहर जाकर जीतना है तो केएल राहुल को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, इंडिया को भी परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। आप हिंदुस्तान में एशिया में जीतते रहे, इधर उधर खुश रहे, उसका कोई मतलब नहीं। तो ये थी सौरभ गांगुली की टिप्पणी इस पूरे के पूरे मसले पर। आप केएल राहुल की बल्लेबाजी को किस तरह से देखते हैं हमें जरूर बताइए। आने वाले समय में क्या वो भारत के लिए टेस्ट के भी बड़े बल्लेबाज बन सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया।